डिफरेंस देख रहे हैं इसमें बायोमेट्री और बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी और किसमें बायोमेट्री। बायोमेट्री यानी बायो मैथमेटिक्स। अब बायोजियोग्राफी क्या है? बायोजियोग्राफी में ऑर्गेनिज्म की डिस्ट्रीब्यूशन है, ऑर्गेनिज्म का क्रंच है। इट डील्स विद द अकुरेंस, वकू पगीर होना जानदार अकुरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट। इट डील्स विद द अकुरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म का डिस्ट्रीब्यूट होना, ऑर्गेनिज्म का अकुरेंस उपलब्ध होना ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन। जियोग्राफिकल रीजन यानी मुख्तलिफ जियोग्राफिकल रीजन में, मुख्तलिफ वर्ल्ड के अंदर, दुनिया के अंदर मुख्तलिफ जियोग्राफिकल एरिया में, ज्योग्राफी का रीजन उसको हम क्या नाम देते हैं? बायो ज्योग्राफी। यानी दीज जो हमें बताए विद अकुरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी स्पीशीज है, ऑर्गेनिज्म है, उनका वकू पजीर होना, उनका अकुरेंस और उनका डिस्ट्रीब्यूट होना, उनकी तकसीम के जानदार कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, उनका अकुरेंस, उनका वकू पजीर कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ से अखद हुए, ड्राइव कहाँ से हुए और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन, ऑर्गेनिज्म की तकसीम मुख्तलिफ जियोग्राफिकल रीजन का, मुख्तलिफ जियोग्राफिकल वर्ल्ड में, उसको हम क्या नाम देते हैं? बायो जियोग्राफी। क्या नाम देते हैं? बायो जियोग्राफी का नाम देते हैं। और इन दोनों का भी दूसरे साइंसेस के साथ ताल्लुक है, रिलेशनशिप विद अदर साइंस, दूसरी साइंसेस के साथ इनका ताल्लुक है, दूसरी साइंस के साथ इनका रिलेशनशिप है। बायोमेट्री क्या है? इसका दूसरा नाम बायो मैथमेटिक्स है। बायो मैथमेटिक्स का नाम है बायो मैथमेटिक्स। वो क्या? इट डील्स विद द ऑर्गेनिज्म विद द बायोलॉजिकल प्रोसेस, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, मुख्तलिफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, बायोलॉजिकल फिनोमिना यूजिंग मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड टूल। मुख्तलिफ इसमें टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं, मुख्तलिफ टूल्स, मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल होते हैं इसमें, इसको इस्तेमाल करके मुख्तलिफ मैथमेटिकल टेक्निक्स इस्तेमाल करके, मुख्तलिफ टूल्स इस्तेमाल करके, मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करके जो बायोलॉजी प्रोसेस करता है, जो बायोलॉजिस्ट काम करता है और उसमें मुख्तलिफ मैथ की टेक्निक्स, मैथ के तरीके इस्तेमाल करता है, उसकी स्टडी को हम क्या नाम देते हैं? बायोमेट्री का नाम देते हैं। इसमें एक एग्जाम्पल से क्लियर करूँगा। इसमें यह है कि एक बायोलॉजिस्ट है, उसने डेटा इकट्ठा किया, डेटा इकट्ठा करने के बाद उसने उसको तजिया किया, उसने उसको चेक किया, चेक करने के बाद उसने उसको पर तजर्बा किया, तजर्बा करने के बाद वो मैथ के रूल्स इस्तेमाल करता है, रियाजी के तरीके इस्तेमाल करता है, रियाजी की टेक्निक इस्तेमाल करता है, जिसको हम क्या नाम देते हैं? बायोमेट्री का नाम देते हैं।